आप देख रहे हैं मूल्यांकन, 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 आप देख रहे हैं मूल्यांकन। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मूल्यांकन शिवम शर्मा के साथ। बेरोजगारी का दौर कुछ ऐसा है कि आज जिला ही नहीं, प्रदेश और देश के हर एक कोने में बेरोजगार भरे पड़े हैं। इस भारत सबसे युवा का देश कहा जाता है, लेकिन अगर इस युवा के देश को आज ये भी कहा जाए कि सबसे बेरोजगार युवा का देश कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। अगर आप सोचो, इसी दौरान अगर आपके लिए सरकारी नौकरियां निकली हैं, उसमें आपने आवेदन किया है, आपने उसकी परीक्षा भी उत्तीर्ण किया है, यानी कि आपने परीक्षा पास किया है, उसके बाद आपने उसका मूल्यांकन प्रक्रिया में भी हिस्सा लिया है, यानी कि आपने टाइपिंग टेस्ट दिया है, आपने अपना डॉक्यूमेंटेशन करवाई है, उसके बाद इंटरव्यू भी दिया, लेकिन उसके बावजूद आपको वो नौकरी नहीं मिल रही है। और इस बात के लिए एक या दो महीने नहीं, या तीन या चार या पाँच या छः महीने नहीं, बल्कि दो साल गुजर चुके हैं, तो आप पर क्या बीतेगी जरा सोचें। ऐसा कुछ हुआ है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग, चयन आयोग ने सितंबर 2016 में 556 पोस्ट कोड पर, जो कि JOA की हैं, यानी कि जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट्स, उसके ऊपर 1156 पोस्टें निकाली थी, जिसके ऊपर हज़ारों युवाओं ने, प्रदेश के हज़ारों युवाओं ने आवेदन किया था, उस परीक्षा को पास भी किया था, उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी की थी, उसके बाद उसका टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर किया, लेकिन आज तक उस परीक्षा का कोई रिजल्ट इन्हें नहीं मिला है, यानी कि वो पद हासिल करने के बाद भी वो पद इन्हें नहीं दिए जा रहे हैं। तो एक सवाल ये आयोग से रहेगा, या सरकार से रहेगा, या फिर न्यायालय से रहेगा, एक सोचने का विषय है। आज इन्हीं पोस्ट कोड के सताए हुए हम युवाओं से बात करेंगे कि उन्हें किस तरह का महसूस हो रहा है और वो क्या चाहते हैं। अब इनसे बात करते हैं पोस्ट कोड 556 के ऊपर। जी, आप शुरू से बताएं कि इस पोस्ट कोड पे हुआ क्या था, किस तरीके से परीक्षा निकाली और आज तक ये रिजल्ट क्यों नहीं निकाल पाया चयन आयोग। कर्मचारी चयन आयोग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से JOIT पोस्ट कोड 556 की अधिसूचना सितंबर 2016 को जारी हुई थी, जिसमें 40,000 के करीब युवाओं ने जो है लिखित परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरे थे। और उसके बाद जो है अप्रैल 2017 में जो है रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था चयन आयोग के माध्यम से। उसके उपरांत जो है परिणाम घोषित होता है, लिखित परीक्षा का परिणाम जो घोषित हुआ वो हुआ है जुलाई 2017 में। उसके बाद जो है टंकन परीक्षा के लिए जो है अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है सितंबर माह से लेके, ये टंकन टेस्ट जो है ये जनवरी तक, नवंबर तक चलता है, नवंबर 2017 तक जो है टंकन परीक्षा का आयोजन माननीय आयोग के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद टंकन परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है और दस्तावेज निरीक्षण का कार्य मार्च 2018 से 24 मई 2019 को ख़त्म हो जाता है। 24 मई 2018 को पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है, जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है ये मुद्दा कोर्ट में चला जाता है कि जो भर्ती नियम है उसके अनुसार भर्ती होनी चाहिए। कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो कोर्ट में केस कर देते हैं। इसके उपरांत इस भर्ती पे अगस्त 6-7 तक जो है वो स्टे रहता है। जो भर्ती प्रक्रिया है, जो उसका परिणाम है, वो इस वजह से नहीं निकल पाता है, उसको माननीय आयोग नहीं निकालता है। इसके उपरांत जो है स्टे हट जाता है, माननीय कोर्ट से स्टे हट जाता है। पर इसी बीच जो है वही अभ्यर्थी जो है हाई कोर्ट में दस्तक देते हैं और 28 अगस्त 2018 को माननीय उच्च न्यायालय शिमला भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती को पूरा करने के लिए माननीय आयोग को निर्देश देता है। और उसके उपरांत जो है ये भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। मीन्स जो उनका निरीक्षण आकलन का जो कार्य है, संकलन का जो परिणाम से संबंधित कार्य है, उसको पूर्ण करने के लिए फिर से आयोग जुट जाता है। और इसके लिए जो है एक समिति गठित होती है, जिसमें वरिष्ठ सदस्य जो हैं आयोग के वो
भर्ती नियमों को के तहत भर्ती को पूरा करने के लिए जो है एक बार दोबारा जुट जाते हैं, मतलब एक बार दोबारा तरीके से उस परीक्षा को आकलन करने के लिए दोबारा एक समिति बनाई गई हमारे माननीय न्यायालय द्वारा। जी, तो उस समिति के बनने के बाद जो है माननीय सचिव महोदय जी से जो है हमें ये भरोसा मिलता है कि परिणाम जो है वो आपको हम अब जो है जो उच्च न्यायालय के जो निर्देश है उनके तहत आपको परिणाम मिलेगा। ये जो बात है ये माननीय सचिव महोदय जी कहते हैं कि हम जो है रिजल्ट आपको 20-30 दिन में दे देंगे। तो यहाँ पे देखा कि 40,000 युवाओं ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, उसके बाद काफ़ी लोगों ने उत्तीर्ण भी की, लेकिन आश्वासन दोबारा मिले, एक समिति बनी दोबारा से इस रिजल्ट को निकालने के लिए। आगे जानते हैं आगे क्या हुआ इनके साथ। जी आप बताएंगे। इसमें जो है अभी 3400 अभ्यर्थी जो हैं वो अंतिम मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और 3400 जो अभ्यर्थी हैं उनको अपने परिणाम का इंतजार है, जिसके लिए जो है अभी जो मैं बताना चाहूँगा भर्ती प्रक्रिया जो है 2.5 साल से ऊपर होने को आ गए हैं। जो JOAIT 556 की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको 2.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है। अच्छा, मैं जानना ये चाहूँगा जो न्यायालय में केस किया अभ्यर्थियों ने वो किस चीज़ के ऊपर केस किया, वो RMP रूल के अकॉर्डिंग या किसी और चीज़ के ऊपर? जो कोर्ट में केस हुए हैं जहाँ तक मेरे को मीडिया में प्रकाशित खबरें जो हमने पढ़ी हैं वो विशेषकर जो है भर्ती प्रक्रिया को रिक्रूटमेंट एंड रूल्स प्रमोशन रूल्स के तहत करवाने को कहा गया है कि उसके तहत ही भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि जो आयोग है उसका जो अस्तित्व है वो आर्टिकल 309 के आधार पे ही हुआ है कि जो भी भर्तियाँ होंगी वो भर्ती नियमों के तहत होगी। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कड़े आदेश दिए हैं। मतलब इससे पहले भर्ती के इन नियमों को पालन नहीं किया जा रहा था, उसके अकॉर्डिंग ये भर्तियां नहीं करवाई जा रही थी, मतलब केस इसलिए किया गया लोगों द्वारा क्या? दरअसल जो नियम बने थे भर्ती नियम पदोन्नति नियम जो बने थे ये जनवरी 2014 या 2014 में बनाए गए थे। जी, दिसंबर 2014 में ये नियम बनाए गए थे। जी, तो अभी वो नियम लागू क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसके हिसाब से ये रिजल्ट क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? जहाँ तक हमें मीडिया के थ्रू जो है न्यूज़पेपर के थ्रू हमें पता चला, जिसमें स्टेटमेंट भी आती है माननीय सचिव जी की कि जी हमें भर्ती एवं पदोन्नति नियम जो है वो स्पष्ट नहीं है, उसमें हमें नहीं पता है कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये तो बड़ी दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि एक आयोग जो ऐसी रिक्रूटमेंट इतने दिनों से इतने सालों से कर रहा है 98 से, तो आज तक क्या ये बिना भर्ती के जो नियम होते हैं इनको आज तक उनका पता नहीं है, क्यों नहीं है पता ये तो वो ही बता पाएंगे। एक बड़ा सवाल आ रहा है कि 1996 या 95 या 98 के आसपास से ये बोर्ड बनाया गया था, तब से ये भर्तियां करवा रहा है पूरे देश में और यहाँ पर रोजगार युवाओं को उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन क्या इतनी बड़ी पोस्ट कोड पे इतनी बड़ी त्रुटि हो सकती है जहाँ पर उनको अपने RMP रूल ही पता नहीं है कि किस रूल के अकॉर्डिंग उन्हें ये भर्तियाँ करनी चाहिए? एक बड़ा सवाल आयोग की तरफ जाता है यहाँ पर। आगे जाने के कि आगे इनके साथ क्या हुआ। जी सर, अब हमारी मुख्य मांग यही है कि जब से हम धरने पे बैठे हुए हैं यहाँ पे कि हमें हमारा रिजल्ट चाहिए, हम कोई भी कंडीशन नहीं लगा रहे हैं बोर्ड के या सचिव के ऊपर कि हमें रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग चाहिए या उसके अकॉर्डिंग चाहिए। हम इनको सिंपल सा विज्ञापन सौंप चुके हैं कि हमें तीन से चार दिन यहाँ पे बैठे हुए हो गए थे, तो भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया हमें कि आपका रिजल्ट कब आएगा। हमें सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमने आपका क्लैरिफिकेशन का जो मामला है वो हमने DOPT शिमला को भेजा हुआ है, जिसका अभी तक भी हमें कोई रिप्लाई नहीं आया हुआ है। तो सर, सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई रिप्लाई बोर्ड यहाँ से भेज रहा है, 22 दिसंबर 2018 को इन्होंने यहाँ से भेजा, तो सर उससे पहले हम 6 दिन यहाँ पे बैठे थे, तो इन्होंने धरने में हमें बोला कि सर हमने आज आपका रिप्लाई शिमला को भेजा हुआ है, तो इसका जो रिप्लाई है हमें 3 से 4 दिन में आ जाएगा और आपका जो रिजल्ट है वो 31 दिसंबर 2018 तक घोषित हो जाएगा। अगर 31 दिसंबर तक नहीं आता है तो हर हालत में 10 जनवरी 2019 तक तो डेफिनेटली आ जाएगा। तो हम यहाँ से धरना समाप्त करके अपने यहाँ से चले गए, बट उसके बाद भी जब हम बोर्ड के अधिकारियों से या शिमला में भी गवर्नमेंट से भी हमने संपर्क किया कि सर आप कब वहाँ पे रिप्लाई भेज रहे हो, तो इन्होंने वहाँ से भी हमें कोई स्पष्ट नहीं बताया। दो दिन करके इन्होंने सर 45 डेज कम्प्लीट हो गया आज सर, वो शिमला से अभी भी इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं भेजा हुआ है। अब माननीय अधिकारियों से हमने जैसे दोबारा से बात की कि हम सर यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हमने अभी भी क्लैरिफिकेशन का जो आपका मामला है वो शिमला को भेजा हुआ है, जैसे ही वहां से अब कोई रिप्लाई आता है हम उसके बाद आपका रिजल्ट जो 2 से 3 दिन में घोषित कर देंगे।
अच्छा, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हजारों युवाएं इस पोस्ट कोड के रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आयोग और सरकार है कि बार बार आश्वासन दिए जा रही है। अभी पिछले दिनों पहले भी यहाँ पर एक भूख हड़ताल हुई थी, यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन हुआ था इन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा, लेकिन बावजूद उसके अभी तक आयोग या सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया कि जिससे ये इन्हें मालूम हो सके कि ये रिजल्ट कब तक आएगा। एक आश्वासन मिल रहा है बार बार, आगे देखते हैं आगे इनके साथ क्या हुआ। शिमला से अभी आपने अंतिम दिनों में भी अभी 4 या 5 दिन या 2 हफ्ते पहले यहाँ पर एक प्रदर्शन हुआ था, उस टाइम पे क्या आयोग और क्या आश्वासन आपको मिला था आयोग या सरकार के द्वारा भी? उस दौरान ऐसा हुआ है कि इन्होंने बोला था कि 31 दिसंबर 2018 तक जो है हम रिजल्ट निकाल देंगे जी। क्योंकि 22 को जो है इनकी फाइल यहाँ से जाती है क्लेरिफिकेशन करने के लिए, क्लेरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट के पास, कार्मिक विभाग के पास, लेकिन 31 तक भी रिजल्ट नहीं आया और ना ही सरकार की तरफ से रिप्लाई दिया गया कोई भी। अभी उसके बाद हम जो है जैसे ही इनसे पूछते हैं तो ये कह रहे कि अभी तक रिप्लाई नहीं आया। अब आप खुद सोचिए कि अगर एक फाइल जो है वो 22 दिसंबर 2018 को सरकार के पास जाती है किसी एक छोटी सी बात को क्लेरिफाई करने के लिए, उसके ऊपर 45 दिन हो जाते हैं और उसका रिप्लाई नहीं आता है, तो उसके लिए हम अभ्यर्थी तो जिम्मेदार नहीं हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी पीछे मंडी में जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हुए थे 24 तारीख को, तो वहाँ पे भी हमने ये मुद्दा जो है वो उठाया था, तो उन्होंने यही बात बोली थी कि अभी 3 दिन की छुट्टियाँ, तो उसके बाद 3 दिन के बाद जो है हम जो है इसी के ऊपर जो निर्णय ले लेंगे, अंतिम निर्णय ले लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वो 28 से 29, 30 3 दिन हमने वो भी देख लिए, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया, 31 तक कोई रिजल्ट नहीं आया। अभी भी आप ये देख लीजिए कि 31 को हमें इस मजबूरी में बैठना पड़ा यहाँ पे धरने पे कि जी अगर रिजल्ट नहीं निकाल रहे हो आप या रिप्लाई नहीं आ रही, तो आयोग का भी ये फर्ज बनता है कि अगर इन्होंने कोई फाइल पर्सनल डिपार्टमेंट में भेजी है रिप्लाई के लिए तो ये वहाँ से रिप्लाई मांगे, क्योंकि रिमाइंडर भेजें, क्योंकि ये कोई पेन ही नहीं ले रहे हैं इनको। आपने मुख्यमंत्री जी से भी इसकी डिमांड की थी, अभी आप जब आपने बताया मंडी पे बताया आपने जी, तो मुख्यमंत्री जी ने आपको क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? मुख्यमंत्री महोदय से मेरी व्यक्तिगत भेंट हुई है, जैसे ही वो धर्मपुर से प्रस्थान करने वाले थे वैसे ही मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला कि मुख्यमंत्री महोदय जी की हमारा जो परिणाम है पोस्ट कोड JOIT उसका परिणाम नहीं आ रहा है, तो उसके संबंधित मैंने उनको एक ज्ञापन सौंपा था कि जो हमारा परिणाम है उसको निकालने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये अभी राज्य स्तर में जो है बेरोजगार अभ्यर्थी इस उक्त मुद्दे पे बहुत परेशान हो चुके हैं कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है, जो परिणाम एक समय को भी तय समय में जो है हर काम होता है, मगर जब समय ऊपर हो जाता है तो जो बेरोजगार अभ्यर्थियों की जो मानसिक कुंठा है वो जाहिर होती है सबके सामने कि ये हमारा परिणाम क्यों नहीं आ रहा है। इसके लिए हमने पहले भी व्यक्तिगत रूप से चयन आयोग के माननीय अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं और इस मुद्दे के ऊपर उनसे हमने उनसे राय जानी है, तो उनका यही कहना है कि जैसे ही हमें कार्मिक विभाग से रिप्लाई आता है वैसे ही हम उस पे ऊपर जो है अपने अगली कार्यवाही शुरू कर देंगे, मगर मजबूरी में हमें यहाँ बैठना पड़ा है क्योंकि आश्वासनों से हम थक चुके थे और बहुत सारे बेरोजगार अभ्यर्थी जो कह रहे थे कि हमें कुछ करना चाहिए, उसी के खातिर हम यहाँ पे हमने जो ये धरना शुरू किया था, हम सिर्फ उस वक्त 3 जो थे अभ्यर्थी थे, उन 3 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे धरना शुरू किया था और जिस दिन धरना शुरू हुआ था उस दिन मौसम भी बहुत ख़राब था और आज भी मौसम ख़राब हो चुका है और आज हम जो बैठे हैं आज का एक अनशन शुरू हो गया है, मगर यहाँ पे सोचने की बात है कि अगर कोर्ट में मुद्दा था पर इस जो भर्ती कोड पे है स्टे नहीं है, अगस्त महीने से स्टे नहीं है और अभी तक भी कोई स्टे नहीं लगाया गया है, तो अगर स्टे नहीं लगा है तो माननीय आयोग प्रशासनिक शक्तियां इनके पास हैं, ये इस पे फैसला ले सकते थे, इस पे निर्णय ले सकते हैं कि जी हमें क्या करना है, क्योंकि जिन्होंने लिखित परीक्षा दी है और भर्ती प्रक्रिया के इतने दौरों से वो गुजरे हैं, उतनी उन्होंने मेहनत की है, उस मेहनत का को के परिणाम को लेने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है और इसके लिए हमें पहले भी मिल चुका हूँ माननीय आयोग के अधिकारियों से, जिसमें माननीय आयोग के अध्यक्ष जी हैं, सचिव जी हैं और भी अधिकारी हैं, उनसे मेरी व्यक्तिगत
वार्ता हुई है और उन्होंने मेरे को संतुष्ट किया था, दोबारा आपको आश्वासन दिए गए हैं। हाँ जी, और हम परिणाम दे देंगे। मगर जैसे ही एक याचिका माननीय ट्रिब्यूनल में अभी नवंबर महीने में जो है एक याचिका लगती है जिसमें उच्चतम न्यायालय की एक जजमेंट का हवाला दिया जाता है कि भर्ती नियमों को जो है बिल्कुल सख्ती से लागू किया जाए, और साथ में कि इसमें जो उच्च डिग्री धारक हैं उनको जो है इस भर्ती में लेना है या नहीं लेना है, इस बात के लिए जो है आयोग को निर्देश हुए माननीय ट्रिब्यूनल के माध्यम से। आयोग के निर्देश हो चुके हैं कि आप इस पे कोई भी फैसला लेके इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं? आयोग जो है रिजल्ट निकालने के लिए स्वतंत्र है, और साथ में एक केस और हुआ था जो मेरे अभी संज्ञान में है, 11 जनवरी 2019 को भी एक हाईकोर्ट से याचिका किसी ने लगाई हुई थी और उस पर सुनवाई हुई है। उसमें यही कहा गया है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन आप कर सकते हैं, यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया में है वो एलिजिबल कैंडिडेट को सिलेक्ट कर दिया जाए। यानी कि न्यायालय के निर्देशों के बाद भी इस भर्ती प्रक्रिया के रिजल्टों को अभी निकाला नहीं जा रहा है। इस पर सवाल आयोग से भी बनता है और सरकार से भी बनता है कि न्यायालयों के निर्देशों की भी अवहेलना करते हुए इस रिजल्ट को क्यों नहीं निकाला जा रहा है? एक युवा एक नौकरी पाने के लिए ना जाने कितने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता है और एक टेस्ट क्वालिफाई करता है, क्या आयोग और सरकार को उनकी इस समय की कीमत की कदर नहीं है? क्या आयोग नहीं चाहता कि इनका रिजल्ट निकले या इनको इनके पदों को भरा जाए, या फिर सरकार को इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है? आइए जानते हैं कुछ और भी इनकी ऐसी ही दिक्कतें जो इन्हें बार बार आती हैं। जी अच्छा, इसके बारे में आप मुझे ये बताएं कि जैसे सरकार, आप मुख्यमंत्री से भी मिले, आप यहाँ सचिव से भी मिले, इन दोनों से आपको आश्वासन मिल रहे हैं बार बार कि ये रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, एक विश्वास अभी उठता जाता है फिर प्रशासन से? विश्वास उठ गया तभी हम आज जो हैं यहाँ पे हैं, इस परिस्थितियों में हमें गुजरना पड़ रहा है इन परिस्थितियों से, कि हम 4 दिन धरने पे बैठे रहे, किसी ने हमें कुछ नहीं पूछा कि आप कैसे हो, क्या चल रहा है, या हम हमसे मिलने आया हो कोई भी नहीं आया यहाँ का, ना कोई लोकल नेता या फिर कोई भी नहीं आया यहाँ पे। और अभी आज हाँ मुझे DYFY के जो हैं यहाँ के अनिल मनकोटिया जी हैं, उनका फ़ोन आया था तो उन्होंने बोला था कि मैं आपके साथ हूँ और हम जो है आपको समर्थन करते हैं। और साथ में मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आयोग हर बार या हर इसमें पोस्ट कोड में इतना टाइम लगाएगा तो ये इतनी रिक्रूटमेंट जो करनी है वो कैसे करेंगे? क्योंकि ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगस्त 2018 में आयोग ने खुद इसी भर्ती के रिगार्डिंग जो है बोला है कोर्ट में कि 53 डिपार्टमेंट जो हैं जहां पे हमने ये कैंडिडेट भेजने हैं सेलेक्ट करके, वहां से हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है कि उनके पास स्टाफ की कमी है और जल्दी से इनको सेलेक्ट करें जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं और हमें भी, यानी कि विभागों में भी इन लोगों की ज़रूरत है। जी हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो है ये जो है उसके कम से कम 9 महीने हो गए हैं और 10वां महीना चल रहा है इस बात को, 10 महीनों में शायद आयोग की नींद अभी खुली नहीं है कि मतलब अगर उनको प्रेशर आ रहा था तो आज वो प्रेशर क्यों नहीं है 10 महीनों में, क्योंकि वो तो काम उन डिपार्टमेंट को और बढ़ता जा रहा होगा ना जब स्टाफ की कमी है, तो ये तो एक चिंतनीय बात है। अभी इन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है यहाँ पर, करीब 4 इनको दिन यहाँ पर हो गए प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अभी तक आयोग या फिर प्रशासन से कोई भी इनसे मिलने नहीं आया कि इनकी हालत कैसी है, किस तरह से अपना जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर रहते हैं। एक इन्होंने यहाँ पर टेंट से बना के रखा है जहाँ पर कुछ गद्दे भी बिछाए हुए हैं, और कुछ सर्दी का मौसम कुछ ऐसा है कि बिना आग के रहा भी नहीं जाता, रात को रजाइयों की ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है, लेकिन कुछ चादर और कुछ तकियों के सहारे ये लोग यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 4 दिन हो गए हैं और आयोग से और प्रशासन से नाराज होकर आज इन्होंने अपनी भूख हड़ताल भी शुरू कर दिया है, और इस भूख हड़ताल कब तक चलेगी इन्होंने भी नहीं सोच के रखा। इन्होंने इनका बस अब मकसद एक है कि पोस्ट कोड 556 के रिजल्ट को निकालना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे यहाँ पर बरसात आए, चाहे धूप हो, चाहे फिर यहाँ पर बर्फ भी गिरे, लेकिन इन्होंने अब ठान लिया है कि अब ये पोस्ट कोड के रिजल्ट के बिना यहाँ सर नहीं जाएंगे। अच्छा, जैसे आप यहाँ पर रात को रुकते हैं, यहाँ पर रहते हैं, आपको ठंड या कुछ इस तरीके से परेशानी नहीं आती क्या?
हाँ जी, जैसे ठंड लगती है तो फिर दो दूर जाइए, कई बार इकट्ठे सोना पड़ता है। मतलब सर्दियों में तो बहुत बुरा हाल है, 2 साल हो गए, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, आगे की तैयारी सोची थी वो भी डिस्टर्ब, घर वाले डेली हमें निकाल रहे हैं कि कमा के लाओ कुछ, क्या कमाना हमने, जब रिजल्ट ना निकला हमारा तो फायदा क्या, इतनी मेहनत की, 3-4 लगातार हमने टाइपिंग की, उसके बाद लास्ट फाइनल में रिजल्ट ना निकला तो फायदा क्या उसका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आज हर किसी को पैसा तो चाहिए होता है। 1999 में 2000 में 2 साल का डिप्लोमा लिया था, तो इतने 18 साल हो गए, आज मेरी एज 40 साल हो गई, तो मेरा बच्चा भी 7th में पढ़ रहा है, तो आगे क्या करेंगे, रिजल्ट ना टाइम ले लेंगे तो फायदा क्या उसका। जरा इनके परिवारों के बारे में भी सोचें, परिवार भी चलाने हैं इन्हें, ना कि आपके ये रिजल्ट ही निकालने हैं, जल्दी से जल्दी इनका रिजल्ट निकालने की कोशिश आयोग करे, ये अभ्यर्थियों की भी इच्छा है और ये होना भी चाहिए। आप बताएं कि यहाँ पर आपको किस तरह की परेशानी आती है, जैसे आप यहाँ पर रह रहे हैं, और प्रशासन की तरफ से कोई आपको सहूलियत दी जा रही है या नहीं? मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि मेरी मम्मी अभी बीमार है, वो अभी हॉस्पिटल में है, और मैं यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, तो मेरे लिए तो हमारे घर में अब जानवर भी रखे हुए हैं, जानवर कौन देखेगा, हमारे घर में कोई नहीं अभी, तो इस मौसम में मेरी मम्मी जो बीमार है, मेरे को उनकी हेल्प करनी चाहिए कि मैं अपने लिए या हक के लिए लड़ूं, मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यही है। अब तो सर रिजल्ट निकलेगा या तो हमारे प्राण निकलेगा, इनमें से एक ही बात होगी। एक की माँ बीमार है, अस्पताल में उसके बेटे का इंतजार कर रही है, लेकिन बेटा यहाँ पर रोजगार लेने के लिए यहाँ पर हड़ताल पर बैठा है, उस माँ पर क्या बीतरी होगी, उसका बेटा उसके पास नहीं है, उसके इस हालत में, उसके एक बीमार हालत में, और एक बेटे पर क्या गुजरी होगी जब एक बीमार माँ को छोड़कर उसे अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ना पड़ रहा है, एक भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। आयोग जरा और प्रशासन भी और सरकार भी इन लोगों के बारे में कुछ सोचे और रिजल्ट को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश इनको करनी चाहिए, और न्यायालय से भी निर्देश हो चुके हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ पर आती है, कहाँ पर आपको क्या लगता है दिक्कत कहाँ पर है, ये रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे? दिक्कत जो आ रही है, जहाँ तक अंदरूनी बात है, दिक्कत तो इसमें इस भर्ती में वैसे है नहीं, क्योंकि जो भर्ती है वो भर्ती नियमों से ही होती है, पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है वो भर्ती नियमों से संपन्न होती है, और साथ में जो रहता है कि हर बार जो कम्युनिकेशन किया जाता है, संप्रेषण जो है कार्मिक विभाग से हो रहा है कि जी अब हमें ये आप पर्टिकुलर इशू पे जो है आप रिप्लाई दे कीजिए, तो जो भी भर्ती होती है आयोग द्वारा, माननीय आयोग के द्वारा जो भी भर्ती होती हैं वो पहले से स्पष्ट होती हैं, और जब नियम बनते हैं, भर्ती नियम, पदोन्नति नियम बनते हैं, तो वे कार्मिक विभाग ही बनाते हैं, और वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं, स्पष्ट होते हैं बिल्कुल, क्योंकि जब नियम नहीं बने होते हैं तब तो हम मान सकते हैं, तब भी कुछ ना कुछ शर्तें लगी रहती हैं कि भर्ती जो है हमने कैसे करनी है, मगर जब भर्ती नियम बने हुए हैं, अनुच्छेद 309 जो है उसके तहत भर्ती नियम जो है वो राजपत्र में प्रेषित होने के बाद, प्रकाशित होने के बाद जो है वो माननीय आयोगों और विभागों को भेजे जाते हैं, ताकि उसके अनुरूप ही भर्ती हो, लेकिन अभी भी ये भर्ती उस तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, जैसे कि अब 2 साल हो गए हैं इस भर्ती प्रक्रिया को चले हुए, मतलब 2 साल, आज से 2 साल पहले इस पोस्ट कोड पर आवेदन मांगे गए थे इनसे, लेकिन आज तक वो रिजल्ट ही निकाला गया। एक विश्वास और एक होता है कि आपको रोज़गार मिलना है, जैसे आप यहाँ पर युवा के तौर पर यहाँ पर उन्होंने अपने काफ़ी उम्मीदें लेकर यहाँ पर अप्लाई किया होगा, यहाँ पर आवेदन किया होगा कि आपको नौकरी मिलेगी जी, इससे मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि इस रिजल्ट ना निकलने का मेरी शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि 2-3 बार मेरी शादी टूट चुकी है, क्योंकि रोज़गार नहीं होगा तो हम शादी कैसे करेंगे, हम अपने परिवार को क्या खिलाएंगे, एक तो मेरी माता जी हॉस्पिटल में, दूसरा कोई लड़की देगा नहीं मेरे को शादी, तो उनकी सेवा कौन करेगा, मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा भूख हड़ताल पर। ऐसे हज़ारों युवा हैं जो इस 5-6 रिजल्ट ना निकलने कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहे हैं, हम रिजल्ट नहीं निकलता है तो हमसे ज़्यादा हमारे पड़ोसियों की चिंता हो रखी है, पड़ोसी हमें ताने मार मार के पूछते हैं कि हाँ रिजल्ट कब आ रहा है, आप सोचिए कि हमारे साथ क्या बीत रही है इस टाइम। पड़ोसियों के ताने, माँ बीमार है, शादी भी नहीं हो रही है, रोजगार हाथ में नहीं है, पैसा हाथ में नहीं है, लेकिन इस ठंड में यहाँ पर ठंड में बैठकर आयोग के दफ्तर के सामने यहाँ पर दफ्तर के सामने यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर पूरी रात गुजारनी पड़ती है ठंड में, कड़ाके की ठंड कुछ इस तरह से, वो भी हिमाचल प्रदेश जैसे जहाँ पर ठंड का माहौल सबसे अधिक होता है पूरे देश भर में, लेकिन उस ठंड में केवल इस छोटी सी आग, इस आग के सहारे और इन मात्र 2 या 4 कंबल के सहारे पूरी रात निकालनी पड़ती है इन अभ्यर्थियों को, ये अभ्यर्थियों पर क्या बीतेगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखते रहिए मूल्यांकन, शिवम शर्मा के साथ, कैमरामैन अश्विनी कुमार के साथ शिवम शर्मा, मूल्यांकन।